सो गाइस, कैसी तेरी खुदगर्जी का लास्ट एपिसोड का लास्ट सीन है ये वाला। एंड लास्ट जो हमने कल जो सीन डाला था वो थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे। यार लास्ट एपिसोड ना धमाके वाला होना चाहिए यार, ऐसा होना चाहिए कि यार भूले ना, मतलब ऐसा मुझे लगता है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? यू गाइस टेल मी ऑन द इन द कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अंदलीप, फाइनली शी इज हियर। बहुत टाइम के बाद ये सुधरेंगी कि नहीं? वो तो ठीक है, ये इसको क्या हुआ? चाची, आप आज मैं कर देती। बेटा, मैंने तुम्हें कल भी मना किया, आज फिर आ गई। मैं नहीं चाहती कि आपने कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से ऐसा तुम्हारे दरमियान कोई गलत फहमी ना आए। तुम जाओ बैठो, मैं यूं करके नाश्ता लाती हूँ। महक का वाक्या हुआ है। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। हम सबने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई भी और गलती हो। चाची, आपको पता है मैं चाहती थी कि अपनी जिंदगी ना एक ख्वाब की तरह गुजारूं। अगर अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हकीकत ख्वाब से बहुत बेहतर होती है। मेरे पास जो है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरी वजह से आप सबको कोई तकलीफ नहीं। पक्का बात, मेरी बेटी की तबीयत ठीक है? अरे भाई, मेरी बेटी ठीक है, ठीक है। आप जाके आराम से बैठे हैं, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ, हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे, फिर बाद में कॉलेज ले जाऊंगी। जी जी। और हाँ सुनो, वो नाश्ते के बाद के बर्तनों की बिल्कुल फिक्र ना करना है। सासू माँ है ना, मैं समेट भी लूंगी और धो भी लूंगी। मेरी चाहती कि तुम लेट हो कॉलेज के लिए, ठीक है? भाई यकीन नहीं आ रहा। नहीं, मेरा मतलब आप हमेशा मुझसे निदा की शिकायतें करती रहती हैं और आज खुद ही मुझे उसका ख्याल रखना। क्या हो रहा है ये एकदम से? ऐसे कौन चेंज होता है भाई? लास्ट एपिसोड तो सब सुधर है। यही तो फर्क है इंसान की बात, इंसान बदल सकता है ना। बेजान इंटो और इंसान में कोई फर्क ना रहे। चलें, आपने ही बदले, स्क्रिप्ट बदल गई ड्रामे की। स्क्रिप्ट बदल गई एकदम से। उनका ही दिखाएंगे ना अभी। अभी क्या, अभी शमशेर नहीं है तो क्या? नहीं, ये लास्ट ड्रामा, ये लास्ट ड्रामा है, इससे अच्छा नहीं बनाते। लास्ट एपिसोड हद होती है भाई। यार आप बताओ, सच सच में आप जो देख रहे हो आपको क्या पसंद आया था क्या लास्ट एपिसोड जब आपने देखा ये? सच बताना, झूठ नहीं। अरे इंट्रो लग रहा है। मैं 2 मिनट में नाश्ता बना रही हूं। कुछ कुछ भी बस, कुछ भी बोलती है। ये वही है ना एडवोकेट टिल्लो। उत्तरी, ये कहां से आ गए? आपकी इजाजत हो तो मैं नवाब साहब की विल आपको पढ़कर सुनाऊं। अच्छा, वो विल लिख के गए थे, क्या बोलते हैं उसको, विल को, जायदाद। देखिए, नवाब साहब के विल के मुताबिक उनकी तमाम जायदाद में से 2000 एकड़ जमीन, 5 शुगर मिल्स, 6 बंगले और 3 प्लॉट के साथ साथ दीगर कंपनीज में भी
उनके महरूम बेटे की जोजा महक बीबी को 50% हिस्सेदार बनाया गया है। ओ महक बीबी को 50% हिस्सेदार पूरी प्रॉपर्टी का। आपने कहा कर चेक कर लिया? वो ये नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है कोई गलती हो गई है। नहीं बीबी, ये बिल नवाब साहब ने अपनी हयात में खुद मेरे सामने बैठ के बनवाई थी, जिसमें नवाब साहब ने खुद साइन किए थे और दारा साहब ने इसे चेक भी किया था। मुझे सब नहीं चाहिए, मैं सब चैरिटी में देना चाहूंगी। आप एक मरतबा अपने फैसले पे नजर निशानी कर रहे हैं। ये मेरा आखिरी फैसला है। ऑल राइट, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा कर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, आप इस पर साइन कर दीजिए। कल मिलती है थोड़ी थोड़ी। तीन साल years मतलब बच्चा हो गया होगा उन्हें। हाँ उसका घर भी चेंज कर लिया। ओके चलो टाइम चेको। तैयार हो गया हमारा बेटा शमशेर। शमशेर चलो आ जाओ बाहर चले। आज आपकी बर्थडे पार्टी है, बाहर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा प्रेजेंस है, चलोगे ना? आ जाओ आ जाओ मेरे पास। आज शाबाश मेरा बेटा। गुड बॉय। गुड बॉय। आप भी जल्दी से आओ बेटा, बाहर मेहमान आ गए। चलो भाई चलो भाई, जिन्ना बाप पीछे ज्यादा बेटा। इसने घर चेंज कर लिया क्या? है ना, थोड़ा बड़ा घर हो गया शायद से इसने रखा होगा। क्या होगा, एक बंगला रख लिया होगा। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बर्थडे एक ही दिन होती है। अरे हाँ, जिस दिन 2 साल का हो गया। अच्छा, दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। अच्छा, उसके बर्थडे के दिन ही पैदा हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे जीने की वजह तुम्हारे बेटे ने दी है, हमारे बेटे ने। लेकिन मैं तुम्हारी कमी पूरी नहीं कर सकती। सब मुझे कहते हैं ना, बहुत खामोश होकर बातचीत नहीं करते ज्यादा। हमारा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। गुस्से का तेज है बोले? हर दिन यही कोशिश करती हूँ कि वो तुम्हारी तरह ना बने।
वो सब मैंने बर्दाश्त किए। मैं नहीं चाहती कल को कोई भी उसकी वजह से वो सब बर्दाश्त करे। गुस्से का बहुत तेज है वो। जानते हैं तुम सुधरे बदल गए। इन्हें सब का बदावा तुम कभी नहीं कर सकते थे जो सब तुमने किए। मैं तुम्हें माफ जरूर की, जो कुछ मैंने सहा मैं वो सब भुला नहीं पाऊंगी कभी। बस रोज यही कोशिश होती है कि हमारे बेटे की अच्छी परवरिश कर सकूं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकूं। I miss you. तुम हमेशा कहते थे ना मुझे एक बार कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो अब दिन में कई बार कहती हूँ हाँ शमशेर मुझे तुमसे मोहब्बत है। सबसे पहले शमशेर भाऊ की मम्मी का देहांत हुआ, फिर उसके बाद शमशेर भाई खुद लुढ़क गया, फिर उसके बाद उसके पप्पा लुढ़क गए हैं, मतलब पूरी फैमिली का सत्यानाश हो गया है। एंड 50% जायदाद उनकी चैरिटी में चली गई, और फिर उसके बाद महक बीबी ने परवरिश की एंड वो भी उनके जैसा निकला है गुस्सैल, एंड ड्रामा खत्म हो गया। बस दारा दिखाया नहीं, मुड़ के दारा नहीं दिखाया, उसकी घरवाली नहीं दिखाई, उसका रिएक्शन नहीं दिखाया, वो रो रही है जायदाद उसके नाम कर दी वो नहीं दिखाया, और वो गई अमेरिका। हाँ उसकी कजन स्टार्टिंग में अच्छा था ड्रामा ये, बट एंड होते होते कबाड़ा हो गया, कचरा हो गया, कचरा शमशेर के मरते ही खत्म खत्म हो गया भाई, खत्म अच्छे से खत्म करते यार इसको, मतलब मजा आता है यार ऐसा खत्म करते कि भाई मजा आ जाता भाई, स्वाद आ गया, मतलब ऐसा वाला सीन भाई, मतलब नहीं यार नहीं नहीं मजा नहीं आया, एंड मजा नहीं आया, स्टार्टिंग अच्छा था ऑफ कोर्स, इट वाज ऑसम सुपर्ब, बट देन एंड होते होते कबाड़ा हो गया, कचरा हो गया भाई, लास्ट के 5-6 एपिसोड में थोड़ा हो गया ना, 4-5 जब से मरा है तब से, बस जब से। ये मेरी खुद की राय है, मेरा खुद का रिव्यू है, खुद की पसंद है, भी लोगों की पसंद अलग होती है, मैं किसी की पसंद पे वो नहीं कर रहा, ये मेरी पसंद है, दिस इज़ माय ओपिनियन, माय पर्सनल ओपिनियन, किसी पे थोप नहीं रहा हूँ मैं। तो आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी।